नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जैसे कि हो गया दापोली बस कांड हो गया अभी, जिसमें 33 लोग मर गए। उसके बाद जो कौस्तुभ राणे जो शहीद हुए देश के लिए, उनके लिए हमने वो सामने एक बैनर बनाया था, जो बड़ा 20x10 का हम लोग बैनर बनाते हैं। ऐसे ही वाजपेयी साहब के लिए एक श्रद्धांजलि बैनर बनाया हमने। और दूसरा हम लोग ने जो अभी गोल्ड और ब्रांज हमारे जो युवक गए थे बाहर जकार्ता में, और वहां उन्होंने गोल्ड वगैरह मारे हैं, उसके लिए हम लोग ने एक बैनर लगाया है। ऐसे करके हम युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। और ये आज तक का हमारा 12वां साल है, और 12वां साल हमारा कोई भी इधर प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक। हमारी हम लोग ने जो कार्यक्रम हम लोग यूज किया, अगर हम लोग बनाते उसको, हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी अच्छा मिलता है, लोगों का सहकार्य भी अच्छा मिलता है। और हमारे नवदीप मित्र मंडल और हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है श्री शुभ चैरिटेबल ट्रस्ट, और हमारा प्रमुख मार्गदर्शन श्री घनश्याम गोस्वामी जी, और वृत्तमानस दैनिक वृत्तमानस, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। और हमारे कम से कम इस मंडल में जो सपोर्टिंग पार्ट होता है वो नवदीप पित्रा मंडल का होता है, और वहाँ हमारे कम से कम 200 से 300 कार्यकर्ता वहाँ मेहनत करते होते हैं, उसके लिए हमें कोई भी अड़चन नहीं आती। और इस तरह से हमारा हर साल का उत्सव बहुत जोश से और हर्ष उल्लास से साजरा होता है। वृत्तमानस पुरस्कृत दही कला उत्सव दर वर्षी आम्ही साजरा करतो, आणि आमचं 12वं वर्ष आहे। इथे आम्ही जे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं पण आमचं आयोजन असतं, देशाचे चांगले संदेश पण आम्ही दिलेले आहेत। आणि या कार्यक्रमाचे आमचे सन्माननीय घनश्याम गोस्वामी साहेबांचं आम्हाला मार्गदर्शन असल्यामुळे हा कार्यक्रम सर्वात उत्तमात उत्तम आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो। आणि हे वर्ष आमचे कार्यक्रम या बस दहीहंडी के माध्यम से सबको दहीहंडी की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और सबको चैरिटेबल ट्रस्ट और वृत्तमानस और हमारे सुयोग माड़ी का पूरे टीम, जो नवदीप के पूरे टीम को मैं शुभेच्छा देता हूँ, क्योंकि ये लोग हर साल कुछ ना कुछ अलग करते हैं, और इस बार उन्होंने और कुछ अनोखा करके दिखाया। जो सब मंडलों को वो लोग प्रोत्साहन देते हैं, जो नौ हाथ लगा देगा प्रोत्साहन देगा, इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।